हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज जानते हैं हम वीडियो में टीचर्स के बारे में। कौन हो सकता है एक टीचर्स, और टीचर हमें क्या सिखाता है, किस रास्ते पे चलना सिखाता है, वो चीज़ हम जानेंगे वीडियो में। चलो अभी मैं दिखाता हूँ, कुछ एक तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। हाउ आर यू ऑल? गुड, ओके। टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट टीचर्स। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ टीचर्स डे बनाया क्यों जाता है। टीचर्स डे हम जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी जो जन्मदिन था 5 सितंबर को, उसकी याद में मनाया जाता है। और उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। इसी के साथ मैं आपको टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। टीचर्स वो नहीं होते कि भाई जो हमें पढ़ाते हैं, लेक्चर्स में सिखाते हैं, टीचर्स वो नहीं होते। टीचर्स वो भी होते हैं जो हमें बाहर कुछ सिखाते हैं। हमारे माँ बाप भी एक टीचर हैं, जो हमें पाल पोस कर हमें संस्कार देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। टीचर एक छोटा बच्चा भी हो सकता है कि हमें उससे सीख मिलती है। जैसे कि कुछ हमें सिखा रहा हो कोई भी, वो एक टीचर होता है, ना कि कोई पढ़ाने वाला, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ टीचर्स डे उन्होंने कहा क्यों कहा था कि वो मेरा जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। राधा कृष्णन जी ने इसलिए कहा था कि क्योंकि वो दिन एक यादगार दिन होना चाहिए, और टीचर्स ही एक ऐसा शख्स होता है जो बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाता है, जो कि अंधेरे से हटाकर बच्चों को उजाले की तरफ लेकर जाता है। इसलिए राधा कृष्णन जी ने बताया था कि जो टीचर, मतलब कि उन्होंने अपना जन्मदिन टीचर्स डे के लिए इसलिए कहा था कि मेरा जन्मदिन है जो वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। टीचर्स हमेशा अपने बच्चों को एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस देता रहता है, और उनको तैयार करता है कि भाई वो कहीं रास्ते में भटक ना जाएं। इसी के साथ मैं अपने स्पीच को ख़त्म करता हूं। धन्यवाद, आपका आपने सुना मेरा स्पीच।